दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों के बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सवाल वार्ता का, बार बार वार्ता हो रही है, उसका नतीजा क्या है? उससे पहले आपसे मैं कुछ बातें और डिस्कस करना चाहूंगा। जो मेरे साथी 9 तारीख के लिए तैयार हैं, उन सभी साथियों को मैं बताऊंगा, सुबह आपको स्थान और समय बता दूंगा। निकलना है घर से और ये अंतिम लड़ाई लड़नी है। इस बार मैंने भी सोच लिया है कि कब तक मेरा बेरोजगार बेइज्जती कराएगा, कब तक अधिकारी और मंत्री तानाशाही करेंगे। अब इस बार आर पार को नहीं चाहिए। हालांकि सरकार को हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि 8 दिन हैं, सुन लीजिए, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी गार्जियन हैं, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, हम अधिकारी और मंत्रियों की तानाशाही से छुटकारा पाना चाह रहे थे। कई मांगे ऐसी थी जो बिना बजट की थी। हालांकि कुछ चीजें सामने निकल के आई कि 1 तारीख के बाद हमारी 2 बार मीटिंग हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पेशल सेक्रेटरी यानी और संयुक्त सचिव से मीटिंग हुई है, आज भी हुई है और पहले भी हुई है। लेकिन जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिस परिणाम हम चाहते थे कि मांगों का परिणाम नतीजा निकले और जो मुरझाए हुए बेरोजगारों के चेहरे उनको खुशियां मिले, वो परिणाम हमें नहीं मिले। इसलिए 9 तारीख को जो हमने कूच करने का ऐलान किया, वो कूच भी होगा और बड़ा एक आंदोलन भी होगा। हालांकि यह आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, अधिक संख्या में होगा और बहुत जानदार होगा और बहुत शानदार होगा, और सरकार को हमारी मांगे भी माननी होगी और अधिकारी और मंत्रियों की तानाशाही भी खत्म करनी होगी। दोस्तों राजस्थान के बेरोजगार के लिए मैं सुबह निकल के शाम तक लड़ता रहता हूं, संघर्ष और मेहनत करता रहता हूं। आज सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे सवा 8 बजे के करीब मैं माननीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी के घर पहुंच चुका था। वहां कटारिया जी नहीं थे, जबकि पहले दिन उनके पीए से बात हुई थी, बोले कि आपको मिल जाएंगे। आज प्लानिंग बनाई, हमारे 30-40 लोग और भी थे जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों से संबंधित थे। लेकिन दोस्तों इंतजार करते रहे क्योंकि वहां तबादला वाले चाहे टीचर हो चाइल्ड डी से वो लोग आ रहे थे कि तबादला वहां हो गया, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, कुछ भी थे, तो उस वजह से वो नहीं आया। हम इंतजार करते रहे। हालांकि जो हमारा ज्ञापन दल के पीए को सौंपा, उसके बाद मैं विद्युत विभाग गया, जो विद्युत विभाग पे जो हेल्प टू के परिणाम और जो काउंसिल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 1 अगस्त तो परिणाम आया था, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उनके परिणाम के लिए भी लगातार प्रयास और संघर्ष किया था, कभी वित्त में फाइल जा रही थी, कभी कार्मिक में जा रही थी, कैसे जैसे फाइल निकल गई, उसका परिणाम निकला 1 अगस्त को सफलता के लिए। लेकिन वहां पूछने के बाद एमडी साहब से मिले, गुप्ता जी से मिले, उनसे मार करवाया और उन्होंने मार करके कहा कि मामला क्यों पेंडिंग है, यह मामला लेट क्यों हो रहा है, और हमें मार करके आप जाइए, मेरा नाम लीजिए, मिलिए। लेकिन राकेश शर्मा जी जो सीपीओ है, वो आज छुट्टी पे थे, कल भी छुट्टी पे, वैसे अवकाश है, परसों मिलेंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल जो हमारे लोग यहाँ के हैं, मैं तो रहूंगा नहीं 9 तारीख को, लेकिन वो लोग जाके मिलेंगे। और कोशिश यही है कि इसी महीने में आपका परिणाम आए, आपकी काउंसिलिंग के आदेश जारी हो, जो आप लोग मेरा जितना सहयोग मैंने किया, आप लोगों को पहले सुबह वहां था, फिर आपके पास 11 बजे वहां पूछा, आपकी बात रखी। उसके बाद मैं सचिवालय में गया और जो साइंस में 2016 के जो अभ्यर्थी हैं, 927 में 64 लोगों को ज्वाइनिंग मिली और जो पद खाली है, उस संबंध में जो एजुकेशन नई एजुकेशन सेक्रेटरी, उनको मैंने पूरी मजबूती से बात रखी, उनके सामने पूरी बात रखी, और उन्होंने नई रीट के संबंध में उनको मैंने अवगत करवाया कि कब तक आएगी। बोली कि अभी प्रोसेस में, मैंने सारी चीजें बताई कि इसमें नुकसान फायदा क्या है। फिर उसी दौरान सीएमओ से मेरे पास फोन आया कि आपको याद किया जा रहा है, आपका प्रतिनिधिमंडल के साथ आप पूछे। दोस्तों मैं गया, इस बार मैंने चाहे अधीनस्थ बोर्ड की बात हो, चाहे आरपीएससी की बात हो, चाहे रीट लेवल 2 की बात हो, कोशिश की एक भर्ती से एक अभ्यर्थी को साथ लेने के, जिससे उनको पता तो चले कि उपेन यादव वीडियो में लंबे लंबे फेंकता है या वास्तव में सीएमओ अधिकारियों की वार्ता होती है। मैं साथ लेके गए, हालांकि हम गए थे 10 से 15 लोग थे, और उन वहां जाने के बाद जो हमें ये कहा गया, सचिव संयुक्त सचिव ललित कुमार जी ने कहा कि आज जो है आरपीएससी को आप साइड में रखिए, आज हम अधीनस्थ बोर्ड के जितने पेंडिंग मामले जो मांगे मुझे बताइए। उन्होंने अपने जो अधिकारी उनको साथ बिठाया, हमें पूरी चीज मैंने नोटिंग कराई, इस भर्ती में यह है, पीटीआई भर्ती हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 का मामला हो, कृषि प्रेक्षक हो, प्रयोगशाला सहायक हो, महिला सुपरवाइजर हो, सूचना सहायक की एक और सूची जारी होने की बात हो, तमाम मैंने मांगे उनके सामने रखी। उन्होंने पूरी सारणी बनाई और
क्योंकि आज चेयरमैन साहब या अधीनस्थ बोर्ड से सचिव साहब आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि वो आज आ नहीं पाए, लेकिन कल छुट्टी है, उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे 9 या 10 तारीख को, यानी कि चाहे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए, चाहे सचिव साहब आए, चाहे दोनों आए, वो अधिकारी सीएमओ में आएंगे, जो स्पेशल सेक्रेटरी आरटी डोगरा जी और ललित जी, वो बैठ के वो सारी भर्तियों को लिए वो रास्ता निकालेंगे कि कब तक किस भी क्या समस्या आ रही है और कब तक परिणाम आ जाएगा। हालांकि कुछ गाइडलाइन हमने 10 दिन का समय दिया था कि पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, इनका 10 दिन में आ जाएगा, और भर्ती चाहे एलडीसी 2018 का 1 महीने में आ जाएगा, इस महीने में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमें जो उन्होंने समय बताया था, लेकिन अब उन्होंने देखो थोड़ी सी जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इससे यह हुआ है कि वो एक्टिव हुए हैं, पूरी जानकारी ली है, और जो अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारी प्लस सीएमओ मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी और हमारे बेरोजगार प्रतिनिधि बैठ के और उस पर कम से कम एक अंतिम निर्णय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इन भर्तियों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि हमारा कार्य अब प्रगति की तरफ है, लेकिन जो हमने लगातार प्रयास किया, 1 तारीख को किया प्रयास, लगातार दूसरी बार आज हमारी मीटिंग हुई है और 9 तारीख की जो हमने जो घोषणा कर रखी है, तो लगातार प्रयास से काम हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ हमारा काम बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, कई लोग ग्रुपों में डाल रहे कि वहां आंदोलन करेंगे वो करेंगे, दोस्तों एक चीज बता दूं, सुबह निकल के शाम तक आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके साथियों को ले जाकर अधिकारियों सीएमओ में चाहे कहीं भी मीटिंग हो, साथ हम बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और लगातार प्रयास है, अधिकारी अब उसमें रुचि भी ले रहे हैं, और हमारा जो प्रयास है थोड़े दिन में सफल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो लोग 5 साल तक बेरोजगारों की आवाज नहीं उठाई, अब कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे। आप आवाज उठाइए, धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र है, लेकिन जो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसका अंतिम परिणाम तक हम पहुंचाने वाले हैं, हम संघर्ष कर, लगातार हमारी मीटिंग हो रही है, हमारे अभ्यर्थी जा रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को लगेगा, अब फेल यादव का संघर्ष लोगों को नहीं दिख रहा है कि सुबह निकल रहा है शाम तक आप लोगों के लिए भाग रहा है, कभी अधीनस्थ बोर्ड भाग रहा है, कभी विद्युत विभाग भाग रहा है, कभी सीएमओ भाग रहा है, कभी सचिवालय भाग रहा है, वो नहीं दिखेगा, कभी कटारे कृषि मंत्री जी का भाग रहा है, कभी डिप्टी सीएम, कभी सीएम, वो संघर्ष नहीं दिखेगा। लगातार प्रयास करने के बावजूद आज वो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों की सारणी बनी है और उनकी मीटिंग जो 9-10 तारीख को होने वाली है आरटी डोगरा जी और ललित कुमार जी के साथ, और उसमें सारी भर्तियों के लिए निष्कर्ष निकाला जाएगा और जल्द से जल्द परिणाम जारी होने की बात होगी। और जो अधीनस्थ जो स्टेनोग्राफर है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, फार्मेसी जिम की भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी और आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है वो भी मैंने नोट करवा दिया। दोस्तों मुझे पता है सूचना शाही की एक और सूची जारी होनी है वो भी मैंने नोट करवा दिया, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड की तमाम भर्तियां हैं वो मैंने, चाहे लवण वाली भी एक भर्ती है, जो तमाम है वो भर्तियां मैंने नोट करवाई है, और इस पे निष्कर्ष अब इसलिए निकलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारी बैठ रहे हैं, हमारे लोग भी रहेंगे और सीएमओ के अधिकारी रहेंगे, बैठने से निष्कर्ष निकालेंगे, इसका मतलब हमारा काम होना स्टार्ट हो गया, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो धीरे धीरे रंग ला रही है। तो दोस्तों प्रयास, क्योंकि जब गुर्जर आंदोलन हुआ, बेहतर लोग शहीद हुए, उसके बाद गुर्जर समाज को भी वार्ता करनी पड़ी, वार्ता से आज भी गुर्जर समाज की मीटिंग हुई, तो वार्ता से निष्कर्ष निकला, वार्ता हम कर रहे हैं, 1 तारीख को हमने आंदोलन किया, हमने बात रखी, 9 तारीख को फिर हमारी चेतावनी है, तो वार्ता तो गुर्जर समाज को भी करनी पड़ी, हर किसी आंदोलन होता है तो वार्ता करनी पड़ी, हमारी वार्ता लगातार हो रही है उसके बाद, और वार्ता का नतीजा भी धीरे धीरे निकलेगा, पॉजिटिव है। आज हमारे अभ्यर्थी कम से कम सीएमओ में जाकर जो भर्ती से पीड़ित अभ्यर्थी अपनी बात तो रख रहे हैं, और जिसका परिणाम थोड़े दिन में आपके सामने आएगा, यह अधीनस्थ बोर्ड की, उन्होंने कहा कि एक एक अधीनस्थ बोर्ड की समस्या, मैंने आज आरपीएससी की जो तीनों भर्तियों की समस्या है, फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा तिथि जारी होनी चाहिए, कि लोग परेशान है कि हमारी परीक्षा कब होगी, कब परीक्षा होगी, कब आवेदन तो 12 तारीख को है खत्म हो जाएगी, लेकिन कब परीक्षा होगी, दुखी है। जो 2018 जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी पड़ी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनके सपने साकार होने से रुक गए कि उसकी काउंसलिंग कब होगी। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, भूपेन यादव ने उस बंगले पे ये बोला वो बोला, उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप सामने लेके आए, अफवाह न फैलाए, लगातार आपके परिणाम में पूरा सहयोग किया, आपकी फाइल निकलवाई वर्गीकरण की, आपका पूरा सहयोग किया, अभी भी सहयोग कर रहा हूं और करता रहूं, आप साथ दो या न दो मैं आपका साथ दूंगा। सेकंड ग्रेड 2018 की काउंसलिंग का मामला हो, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि का मामला हो, संस्कृत विभाग की जो सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी करने के मामले, मैंने सारे मामले वहां नोट करवाए, और 2016 की टेक्निकल विभाग जो दूरसंचार विभाग की भर्ती एसआई उसका भी मैंने नोट करवाया, आज नोट करवाया, लेकिन पहले सीएमओ के अधिकारी मुख्यमंत्री सचिव स्पेशल सेक्रेटरी पहले अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारी से बात करेंगे, फिर दूसरे पेज में आरपीएससी के अधिकारी से बात करेंगे। दोस्तों
प्रयास वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, वो उनको बुला रहे हैं पूरे आंकड़े, वो भी विभाग भी तैयारी कर रहा है, अधीनस्थ बोर्ड भी तैयारी कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, कब तक किस भर्ती का परिणाम निकाल देंगे, वो उस मीटिंग में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जो अभी से पहला जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने जो मुझे 10 दिन की गाइडलाइन दी थी कि 10 दिन में इन भर्तियों का परिणाम आ जाएगा, महीने भर में जो बच्ची भर्तियों का परिणाम आ जाएगा वो उन्होंने पूछ के दी थी, लेकिन अब वस्तुस्थिति वो शिवमो की मीटिंग में वो तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे, इस भर्ती की स्थिति है और इसमें इस वजह से समय लग रहा है, ये भर्ती इस समय पूरी हो पाएगी। तो उस मीटिंग में जो हमारा प्रतिनिधि है, हालांकि मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा 2 तारीख को, आंदोलन में रहूंगा, लेकिन हमारा कोई ना कोई साथी प्रतिनिधि मंडल वहां जाएगा, उसका नतीजा निकलेगा। और मुझे विश्वास है कि 9 तारीख का जो हमारा बड़ा धमाका होने वाला है, शायद 9 या 10 को सीएम साहब हमें बुला ले। हम लोग सीएम साहब के खिलाफ नहीं है, हम लोग केवल उन मंत्री अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएंगे, मुझे विश्वास है हमारी मांगों को पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो हम लोग तानाशाही के खिलाफ है, लापरवाही के खिलाफ, जिससे हमारा परिणाम आए, परीक्षा तिथि जारी हो, नियुक्ति प्रक्रिया हो, जिनकी काउंसलिंग वाली काउंसलिंग हो, तमाम मुद्दों को लेकर और जो लंबित भर्तियां हैं तमाम पूरी उनको लेकर हम लोग 9 तारीख को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक होगा, मैं आपको कह रहा हूं, आप देखना उस दिन लाइव होगा, आपको दिखाया जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के बाद जो आरपीएससी की भर्ती की मैंने मांग रखी है दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की जो मैंने बताई दिया, मार्क करवा के पूछा दिया, जो 9-10 तारीख को कोई भी प्रतिनिधि वहां जाएगा हमारी तरफ से, वो उस लेटर को लेकर सीपीओ साहब से मिलेगा। इधर यहां भी मैंने मांग रखी है, एनएम भर्ती 2013 की वो बहनें हैं, उनकी भी मैंने आज अशोक जी मेरे साथ थे, उनकी बात रखी है और उनकी अब उनके लिए मजबूती से मैं पूरी मांग रखूंगा। एनएम भर्ती 2013 की वो बहनें बहुत परेशान है, दुखी है और चक्कर काट रही है, क्योंकि अब 6 साल उन्होंने लगातार इंतजार किया है, तो उनका भी मैं पूरा साथ दूंगा, उनकी भी मैं मजबूती से 9 तारीख को भी बात रखूंगा बड़ी ताकत के साथ। आज भी मैंने उनका अलग से ज्ञापन दिया, अशोक जी मेरे साथ थे, तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती के बारे में मैंने बता दिया, आरपीएससी के बारे में बता दिया, इसके अलावा चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे पटवारी भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे नई कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 का विज्ञापन हो या विज्ञप्ति जारी हो, उनकी भी मैंने मजबूती से बात रखी है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पहले 2 एग्जाम की चर्चा हुई, वेटेज कम करने की चर्चा हुई, मैंने हर बात उनको समझाया, लेकिन जो मंत्री जिस प्रकार अपना रवैया एक तानाशाही जैसे अपना रखी है कि जिससे क्या है, उन्होंने मेरे जो रिपोर्ट मुझे मिली है, मंत्री जी यही चाहते हैं कि वेटेज जोड़ा जाए, पर जो पिछली बार रीट के आधार पर जो हुआ था वही फार्मूला वापस लागू हो, वो वेटेज को खत्म करना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि नहीं मैं नहीं आपत नहीं पालना चाहता, मैं तो जो फार्मूला जो तय हो गया एक एग्जाम वाला वो हो, चाहे वेटेज से कोई मरे तो मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे प्रमाण पत्र से बार बार वो लोग लगे कोई मतलब नहीं। तो मैं उन प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि वापस स्थिति, हालांकि फाइनल निर्णय नहीं हो, जो मंत्री जी की इच्छा है जो मुझे अधिकारियों से प्राप्त हुई है, तो मैं आपको बता दूं वही एक एग्जाम से करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों वेटेज से अब लेवल 2 वालों को नुकसान होगा, और एक ही प्रमाण जो लग गए वापस आएंगे, फिर मुझे मेरे पास आओगे कि दोस्त कि वो तो पहले वाले वापस आ गए, हमें मौका नहीं मिला, दोनों समस्याओं से आपको नुकसान होगा। मैं आपको अवगत करा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं 9 तारीख को मजबूती से आपकी बात रखूंगा कि वेटेज खत्म हो, प्रमाण पत्र की समस्या खत्म हो, लेकिन इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। अरे कम से कम अपने लिए तो जागो, बाद में आपका साथ नहीं दूंगा, अभी कह रहा हूं बाद में आपका साथ नहीं दूंगा, जब आपको नुकसान होगा कि देखो हमें नुकसान होगा, नहीं दूंगा, अब साथ दे सकता हूं। आग लगने से पहले कुआं खोदना होगा, यानी कि नियम लागू होने से पहले हम नियम बदलना होंगे, तो इसलिए आप जागो, उठो, 7-2-9 तारीख को, कल का समय स्थान और समय आपको बता दूंगा, आपका आना होगा, अपना भविष्य खुद बचाए, बाद में आपका सहयोग नहीं करने वाले फिर कहोगे ये क्या हो गया, इसलिए आप जागे। दोस्तों इसके अलावा जो सूचना के लिए मैंने बताई दिया, एनएम भर्ती के लिए बताई दिया, जो आज की वार्ता के बारे में मैंने आपको बताई दिया, साइंस मेथ वाले के बारे में आपको बताई दिया, इसके अलावा जो हमने 14 एक आज एनएम भर्ती 2013 की मांग रही 15 सूत्र जो मांगे हैं, जो हमने आज सौंप दिए कि इन मांगों को लेकर हम दिल्ली कूच करें 9 तारीख को। हालांकि हमारा कूच का प्रस्ताव थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, वो कल आपको सूचना दे दूंगा, लेकिन जो 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हमने सौंप दिया है कि जब भी सेम हिसाब से आपकी ब्रीफिंग हो तो ये मांगे बता दीजिए। राजस्थान के प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार की मांग है, मांग क्या है, जो तमाम लंबित भर्तियां वो पूरी हो, जो 75,000 भर्तियों की घोषणा की गई थी बजट में उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, इसके अलावा जो अधिकारी गलती करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बाहर राज्य का कोटा कम हो, जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं हुई उनकी परीक्षा आयोजित हो, परीक्षा तिथि जारी हो, और जिनका परीक्षा परिणाम आ गया है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, और जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया उनका परीक्षा परिणाम जारी हो, तमाम मांगों को लेकर हम इकट्ठे। मैं 15 मांगों को था, नाम लूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने फेसबुक उठा के देख ली थी, 1 तारीख को मैंने पोस्ट की थी, तमाम 15 मांगों को लेकर यह हमारा 9 तारीख को एक शांतिपूर्वक और बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इसके अलावा
एलटीसी पंचायत राज 2013 के अभ्यर्थियों को मैंने 41 को मुद्दा उठाया, 9 को भी उठाऊंगा, लेकिन आप उठो और जागो, सच्चाई ईमानदारी के साथ दो। आप जागे रहोगे 2013 से 6 साल तक आप लटक रहे हो और आपका भविष्य खराब हो रहा है। अभी कह रहा हूं जागो और 9 तारीख को साथ दो। कल समय स्थान आप लोगों को बताऊंगा, आप जरूर आइए। पशुधन सहायक भर्ती करते इनके लिए मैंने बताई दी आपको, रीड लेवल 2018 वालों को मैं बता दूं, आज मीटिंग में मुझे यही कहा गया कि आपका मुद्दा सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, आप फिर भी 9 तारीख को जा रहे हैं। मैंने कहा हमारे लिस्ट के लिए मंत्री जी कहते मीडिया में लिखित में दे देंगे, निकालेंगे। हमारे जो बेरोजगार लगातार संघर्ष कर रहे, खून के आंसू रो रहे हैं, इतनी सीटें खाली हैं, तो हमारा मामला अब बिल्कुल गरमाया हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन मांगों के साथ ये रखा गया है। मुझे विश्वास है कि लिस्ट जारी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी लिस्ट जारी होगी और कैसे होगी आपको पता लग जाएगा, खुशियां मिलेगी। विश्वास रखो, संयम रखो और जल्दी आपकी खुशियां आएंगी। नई रीट के लिए मैंने कह दिया है कि क्या मंशा है, वेटेज आपको मारेगा, प्रमाण पत्र आपको मारेगा, जाग जाओ, कह दिया मैंने। पहले मेरी वार्ता से संतुष्ट थे, अधिकारी सहमत हो गए, लेकिन मंत्री जी का व्यू चेंज है, मंत्री जी मेरी बात होने दी। कई लोग कहेंगे दोस्तों मंत्री जी से मेरा इतना अच्छा व्यवहार था, घर तक जाता था मैं, मिलता था, फोन पे बात होती थी, मेरे कार्यालय जो वीडियो वायरल हो रहा है मेरे कार्यालय का है, वो मेरे संगठन को जिंदाबाद बोल लेते, बेरोजगारों को जिंदाबाद बोलो, कह रहे थे कि आपकी मेहरबानी युवाओं के साथ से हमारी सरकार आई है और आप सरकार के सवर आपसे पूछकर आपका काम करेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला, जब मेरे जो साथी वहां गए थे बेरोजगार के, आके गए हमारे साथ बदतमीजी हुई, जब उनका चेहरा देखा, मैंने सरकार और बेरोजगारों में एक को चुना था, मैंने बेरोजगारों को चुना और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इन लोगों के साथ बदतमीजी हुई है। मैंने आवाज उठाई, पिछली सरकार भी थी, ये सरकार भी थी, मैं भी लोगों जैसे हाँ जी साहब करता रहता, लेकिन किसके लिए, मैंने मेरे बेरोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, और इस लड़ाई में चाहे मुझे वो जेल में भी डाल सकते हैं, कुछ लोग हैं मेरे खिलाफ प्लानिंग, मुझे जेल में डाल सकते, मरवा सकते, लेकिन मैं मरने के लिए तैयार हूं। और मैं कह रहा हूं जेल में डाल दीजिए, 9 तारीख को मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, मार दीजिए, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा मैं, पीछे नहीं, वो मुझे आज खुन्नस है कि मेरे बेरोजगारों के साथ बदतमीजी हुई, मैं बदतमीजी से नहीं करूंगा। और बदतमीजी की वजह से ही मैं, मुझे आप देख लीजिए 1 तारीख से पहले मैं कैसा था, मैं संतुलित था, सरकार को कभी मैं खिलाफ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी बेरोजगार की बेइज्जती है और वो आज मेरे सामने आके कह रहा है कि साहब ये क्या हो रहा है, और जब मैं वो वीडियो देखा, आप देखो उस समय कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, आज एक व्यक्ति के 2 रूप है। लेकिन फिर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस लड़ाई को यहीं समाप्त कर दीजिए, लोगों की सुनिए, बेटे जैसे प्रमाण पत्र जैसी बीमारी खत्म करिए, एक और सूची निकालिए लेवल 2 की, फर्स्ट की भी सुनिए, आपको सैल्यूट करेंगे, धन्यवाद देंगे, आपका स्वागत करेंगे, अन्यथा हम किसी भी, चाहे कितनी बड़ी लड़ाई है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ूंगा, चाहे जेल में डरवाए, कुछ करिए, लड़ूंगा अंतिम अंत तक, और देखना परिणाम आपको जो लोगों ने पहले भुगते वो आपको भुगतने पड़ेंगे। आक्रोश है, मैंने खप्पन मान लिया मेरे सिर पे, नहीं होने दूंगा मेरे बेरोजगार की बेइज्जती, मेरे बेरोजगारों के लिए मैं पागल हूं, कुछ भी कर सकता हूं, जब तक मैं अध्यक्ष हूं, नया अध्यक्ष कभी भी बन सकता है, हालांकि 1-2 लोग आज भी मिले थे, कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन जब तक मैं अध्यक्ष हूं बेरोजगार संघ का, राजस्थान बेरोजगार के महासंघ का, जब तक मैं किसी बेरोजगार को उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दूंगा, लड़ूंगा। स्टेनोग्राफर में फार्मेसी पुस्तकालय अध्यक्ष की मैंने बात रखी थी। इसके अलावा दोस्तों नई भर्तियों में जो पंचायत राज हो, PWD हो, WRD हो, PhD हो, उसमें जो इंजीनियर की बीटेक और पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, उनकी JN भर्ती हो चाहे AN भर्ती हो, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं बेचारे, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अभी बजट में घोषणा की गई है, मान करें उनपे सारी भर्तियों जो बजट में घोषणा की गई उनपे विज्ञप्तियां जारी हो, कम से कम जो इंजीनियर गए, जो पानी देने का काम करते हैं, बिजली देने का काम करते हैं, जो लोगों को जो सुविधाएं देते हैं, आज उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, उनके साथ में हो, उनका परीक्षा केंद्र भी राजस्थान में दिया जाए, सामान्य ज्ञान भी जोड़ा जाए उनकी भर्तियों में, उनको न्याय दिया जाए। और बाहरी राज्यों का कोटा वाला सबसे बड़ा मुद्दा ही भूला नहीं हो, कई सोचो बाहरी राज्यों का मुद्दा लास्ट में बोल रहा है, आगे पीछे मांग हो सकती है लेकिन भूल नहीं सकता, बाहरी राज्यों का कोटा तो कम होना ही चाहिए ना, वोट तो हम ही देते हैं ना, ये मुद्दा जिंदा था, जिंदा है, और जब तक जिंदा रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाए, और जब उपेन्द्र यादव मर जाएगा तब जरूर यह मुद्दा मिट सकता है, लेकिन उपेन्द्र यादव जिंदा है, जब तक मुद्दा जिंदा रहेगा और ये इसके लिए मरते दम तक संघर्ष करूंगा, बाहरी राज्य का कोटा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, और राजस्थान के अभ्यर्थियों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए, मैं लड़ूंगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने बता दिया, सेकंड ग्रेड में बता दिया, संस्कृत भाग वालों बता दिया,
आईटीआई की छात्र वगैरह बेचारे टेक्निकल हेल्प के लिए कह रहे हैं, निजीकरण हो रहा है। अरे निजीकरण कर दोगे तो फिर जो आईटीआई करेंगे वो छात्र कहां जाएंगे बेचारे? कम से कम उनके टेक्निकल हेल्पर की और उनके लिए भर्ती तो निकालो, बेचारे दुखी है परेशान है। उनके बिजली विभाग में आप, परिवहन विभाग में आप, उनके अलग अलग जो विभाग है उनमें भर्तियां निकालो, वो परेशान है, वो भी तो बेरोजगार ही है। आपको हर बेरोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे ऊर्जा विभाग का हो, चाहे चिकित्सा विभाग का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों की सारी तमाम मांगों को लेकर हमारी लड़ाई जारी है दोस्तों। अब आप सबसे निवेदन है कि कल आप लोगों को जो जगह बताई जाएगी, जो समय बताया जाएगा, आप सबको एक साथ अच्छी संख्या में पूछना है। यह लड़ाई अंतिम है, मिलकर लड़ेंगे। यह लड़ाई उपेन यादव की नहीं है, यह लड़ाई आप सबकी है दोस्तों। समय समय पर बहुत लोग आएंगे आपकी आवाज उठाने वाले, लेकिन आप पहले वाले, आप उसमें जाना, पहले वाले समय में जाना कि पहले भी आपके साथ आपका भाई था, आज भी आपके साथ है। उस समय जब हम अनशन कर रहे थे, जब हम लाठियां खा रहे थे, कोई हमारे साथ नहीं आया था हमारी आवाज उठाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं आया था कि हम जेल में पड़े हैं अनशन कर रहे हैं। आज कोई भी आ जाएगा, क्योंकि हर कोई बेरोजगार को समझता कि भोला है, बेवकूफ बना देंगे। लेकिन हमें हमारी लड़ाई लड़नी होगी, हम सबको मजबूत होना होगा। आवाज जो भी उठाए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, आप भी धन्यवाद देना। लेकिन कोई भी आवाज उठाएगा आपकी आवाज वो एक दिन उठा देगा, दो दिन उठा देगा, लेकिन अंतिम समय तक हम सबको मिलकर लड़ना होगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आप जो जहां भी आपकी आवाज उठाई आप उनका साथ दीजिए, लेकिन सच्चाई भी पहचानिए कि आपका हित कहां है, कहां आपका इथेसी है, जहां आपका भविष्य बन सकता है। हित का है वहां साथ चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करिए। आप सबसे लास्ट में यही निवेदन है मेरा कि आप सबको 9 तारीख को, कल मैं आपको सुबह स्थान और समय बताऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना है, इस शांतिपूर्वक बड़े आंदोलन में साथ देना है। हमने जो माहौल बनाया, जो लगातार एक तारीख से पहले भी, चाहे बिजनेस बोर्ड के अधिकारी से मीटिंग हो, सीएमओ में लगातार मीटिंग हो रही है, डिप्टी सीएम से मिलना हो, मंत्रियों से मिलना हो, चाहे सीएम साहब से, लगातार प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि कम से कम अधीनस्थ बोर्ड और सीएमओ के अधिकारियों की मीटिंग हो रही है, जिसका निष्कर्ष निकलेगा, हमारे लोग भी होंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा परिणाम निकलेगा। इसके अलावा जो आरपीएससी की हो, चाहे विद्युत विभाग की हो, तमाम भर्तियों के लिए कोशिश करें कि लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां आए और जिनका परिणाम आगे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो, चाहे काउंसलिंग के माध्यम से हो और चाहे जिनके एग्जाम नहीं, उनकी परीक्षा तिथि जारी हो, तमाम मांगों के लिए हम करें। और जो तमाम विभाग है, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, सब में उनकी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो, जो बजट में 75,000 भर्तियों की घोषणा की गई। तो इन सब मांगों को लेकर राजस्थान के तमाम बेरोजगार एक बार फिर 9 तारीख को आवाज बुलंद करेंगे। आप सबसे निवेदन है, जो लोग मैदान में साथ दे रहे हैं, इसके अलावा जो सोशल मीडिया में जुड़े हैं, इस वीडियो को हर जगह फैलाइए, हर जगह आप शेयर करिए। और एक चीज विशेषकर आप सबसे निवेदन मैं पुनः करना चाहूंगा, मैं देखता हूं उपेन यादव ने बड़ी घोषणा की, उपेन यादव ने रीट की तारीख बताई, कब ज्ञापन आएगा, कितने पद हो गए, लोग झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे वीडियो डाल के उस पर नकली टाइटल डाल के उसको भ्रमित कर रहे हैं, तो आप सीधा मेरे यूट्यूब चैनल उपेन यादव बेरोजगार महासंघ पे सीधा जुड़िए। उपेन यादव जो मेरा फेसबुक पेज है, जिसमें 74,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, उसमें जुड़िए, वहां को सीधा आपको हर अपडेट मिलेगी। लोग भ्रमित करें, मुझे दुख होता है, खुद तो गाली खाते हैं और मुझे खिलाते हैं, मुझे दुख होता है। आप सीधा मुझसे जुड़िए, सारी अपडेट, सारी सच्चाई आपके सामने होगी। मैं चाहता हूं कि कम से कम आपको सच्चाई रूबरू, सच्चाई का पता चले, जिससे आप लोगों को, आप अपने सपनों को साकार करने में आप लोग आगे बढ़ सके। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 9 तारीख को पूछना है, और जितना प्रयास हो रहा मैं कर रहा हूं आपके लिए, रात दिन मेहनत कर रहा हूं, इसका परिणाम आपको मिलेगा। आप भ्रमित ना हो, अपने हितों के लिए जागे और साथ दे। जय हिंद, जय भारत।